उल्लासनगर महानगर पालिका के सहायक आयुक्त गणेश सिंपी इन दिनों फिर चर्चा में है। इस बार बेबस चौक पर स्थित अवैध दुकानों को तोड़कर वे उल्लासनगर में चर्चा में है। एक दुकान के ऊपर कार्रवाई की है, क्या है पूरा योजना? माननीय आयुक्त साहब और माननीय अतिरिक्त आयुक्त साहब, इन्होंने उल्लासनगर शहर में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चले उसके ऊपर कार्रवाई करने के आदेश सभी सहायक आयुक्त इनको दिए हैं। तो बेबस चौक में आज एक आरसीसी काम चालू हुआ था, वो देखा था हमारे बीट मुकदम ने, उसका रिपोर्ट किया था। तो आज सुबह ही वो जेसीबी लेके वो जो बांधकाम है पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है, और इसके आगे भी जो और भी काम चालू है उनको भी नोटिस हम देंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई हमारी जो निरंतर चालू रहेगी, ये कार्रवाई बंद होने वाली नहीं है। जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है सबके खिलाफ कार्रवाई की सर, जाएगी। देखा गया कि छुट्टी के दिन छुट्टी का फायदा लेके कुछ काम फटाफट होते हैं। आज जो बांधकाम हुआ था वो छुट्टी के दिन ही हुआ था, सैटरडे संडे में हुआ था। तो 2 दिन छुट्टी में करेंगे तो हम मंडे को या ट्यूजडे को तोड़ देंगे, उसमें कुछ ऐसा ये नहीं है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।